गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस इन हिस्ट्री सब्जेक्ट। योर चैप्टर नंबर 9 इज द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चरल्स। उसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आगे हमने 3-4 जो वीडियो देखे उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पेंटिंग फॉर पेट्रोनस द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। तो उसमें हम देखेंगे अनदर ट्रेडिशंस दैट डेवलप इन डिफरेंट वे वॉज that of miniature painting. Miniatures, as their very name suggests, are small size painting, generally done in watercolor on cloth or paper. The earliest miniatures were on palm leaves or wood. Some of the most beautiful of these, found in Western India, were used to illustrate Jain texts. The Mughal emperors अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां पेट्रोनाइज हाईली स्किल पेंटर्स हु प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट एंड पोएट्री। दीज वेयर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड पोर्ट्रेट कोट स्किन्स स्कैंस ऑफ बैटल और हंटिंग और अदर एक्सेप्ट ऑफ स्पेशल सोशल लाइफ। They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. तो यहाँ पर बताया कि another traditions जो है that develop करते हैं in different ways was that of miniature painting or miniatures as their way name suggest are small size paintings. जनरली यानी वो क्या है, तो स्मॉल साइज पेंटिंग जो होती है वो मिनिएचर करते हैं और वो डेवलप करते हैं डिफरेंट वेज में दैट उनकी जो ट्रेडिशंस होती है। तो जो कौन सी, तो स्मॉल साइज पेंटिंग करते हैं वो जनरली डन करते हैं वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर, और जो अर्लीस्ट मिनिएचर है वो पाम लीव्स और वुड में करते हैं। तो सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस, यानी वो सारे मोस्ट ब्यूटीफुल होते हैं। तो फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया में वेर यूज टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट, जैना टेक्स्ट जो है द मुगल एम्परर में, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां जो मुगल एम्परर जो है वो पेट्रोनाइज करते हैं हाईली स्किल पेंटर्स को, हु प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग करते हैं हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री जो होते हैं। तो देयर वेयर जनरली पेंट करते हैं इन ब्रिलियंट कलर, यानी जो ब्रिलियंट कलर होता है उसे पेंटेड करते हैं और पोर्ट्रेट करते हैं कोर्ट स्कैंस को, स्कैंस ऑफ बॉटल और हंटिंग एंड अदर एक्सेप्ट ऑफ सोशल लाइफ। दे वेयर ऑफन एक्सचेंज, वो ऑफन करते हैं एक्सचेंज एज गिफ्ट एंड वेयर व्यू only by an exclusive view करते only by an exclusive view the emperor and his close associates। तो with the decline of the Mughal empire many painters moved out to the courts of the emerging regional states, see also chapter 10। as a result Mughal artistic the tastes influenced the regional courts of the Deccan and the Rajput courts of Rajasthan. At the same time they retain and develop their distinctive characteristics, portraits of rulers and courts, court scans came to be painted, follow the Mughal example besides them from the mythology of poetry where they depicted and at centers such as Mewar, Jodhpur, Bundi, Kota and Kishangarh। तो वो डिक्लाइन करते हैं जो मुगल एम्पायर होते हैं, मैंने पेंटर्स जो होते हैं मूव आउट टू द कोर्ट्स में। तो एंड ऑफ द इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स, यानी जो इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स होते हैं, सी ऑल्सो चैप्टर 10 में। तो एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक जो होते हैं मुगल टेस्ट करते हैं इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स में ऑफ द डिकैन एंड राजपूत कोर्ट्स, डिकैन करते हैं राजपूत कोर्ट्स में ऑफ राजस्थान। एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम दे रिटेन एंड डेवलप द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, यानी वो डेवलप करते हैं जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो होता है। तो पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट्स कैम टू बी पेंटेड,
following the Mughal example besides them from mythology of and poetry were depicted and central such as मेवर यानी वो डिपिक्टेड करते जो सेंटर्स होते हैं मेवर जोधपुर बूंदी कोटा एंड किशनगढ़ जो होते हैं उसे तो अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग वॉज द हिमालयन फुट हिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो अनदर रीजन यानी जो अनदर रीजन जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं मिनिएचर पेंटिंग को वॉज द हिमालयन फुट हिल्स जो होती है और अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हमें यहाँ फिगर में भी बताइए जो पेंटिंग है वो और इसके बाद ये नेक्स्ट पेज है उसमें भी हमें ये छोटी सी क्या है तो महाराणा राम सिंह जो है उसके उनके बारे में बताया है जो प्लेइंग होली वो क्या कर रहे हैं होली प्लेइंग कर रहे हैं राजपूत मिनिएचर कोटा में तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है तो उसके वो फिगर में भी वो दिखाई दिया है बाय द लेट 17th सेंचुरी दैट रीजन हैज डेवलप अ बोल्ड एंड intense style of miniature painting called Basoli. The most popular text to be painted here was Buddha Bhanudatta Rasmanjari, Nadir Shah's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills of, to escape the uncertainties of the plains. तो यहाँ पर बताया कि जो by the late जो होते 17th century उस region में वो develop करते हैं bold and intense style of miniature painting called Basoli. The most popular text है जो to be painted करते here was भानुदत्ता रसमंजरी है वो भी पेंटेड टेक्स्ट करते हैं तो नदीर शाह जो है इन्वेशन करते हैं कंक्वेस्ट ऑफ दिल्ली में इन 1713 में रिजल्टेड इन द माइग्रेशन यानी हम जो माइग्रेशन वो रिजल्टेड करते हैं मुगल आर्टिस्ट का और टू द हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेंटाइज ऑफ द प्लेन्स के तो इसके बाद नेक्स्ट पेज दे फाउंड रेडी पैट्रोन्स विच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बाय द मिड 18th सेंचुरी द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप अ स्टाइल विच ब्रीथेड अ न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर पेंटिंग द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द विश्व नेटिव ट्रेडिशन सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स एंड अ लायरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग तो वो फाउंड करते रेडी पेट्रोनस को विच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बाय द मिड 18th सेंचुरी में जो कांगड़ा आर्टिस्ट है वो डेवलप किया था स्टाइल विच ब्रीथेड न्यू स्पिरिट को इन डो मिनिएचर पेंटिंग और जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वॉज द विश्व नेटिव ट्रेडिशंस करते हैं तो सॉफ्ट कलर इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स कलर तो लायरिकल ट्रीटमेंट में वो थीम्स होती है डिस्टिंग करते हैं कांगड़ा पेंटिंग में तो इसके बाद रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमन एंड मैन पेंटेड एज वेल ऑन पोर्ट्स वॉल्स फ्लोर्स क्लोथ वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव ऑकेजनली सर्वाइव अनलाइक द मिनिएचर्स दैट वी वेयर केयरफुली प्रिजर्व इन प्लेसिस फॉर सेंचुरीज तो जो वो रिमेंबर करते हैं दैट ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं मैन एंड वुमेन में वो पेंट करते हैं एज वेल दोनों मतलब वो पॉट्स वॉल्स फ्लोर्स क्लोथिस वर्क्स तो आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव करते तो अनलाइक द मिनिएचर्स दैट वेर केयरफुली प्रिजर्व इन प्लेसिस फॉर सेंचुरीज इसके बाद देखेंगे अ क्लोजर लुक बंगाल द ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ग्रोथ ऑफ जो रीजनल लैंग्वेज है एज वी सो एट द आउटसेट वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ
So, we assume that people in Bengal always spoke Bengali. However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit texts might first millennium BCE suggest that the people of Bengal did not speak Sanskrit languages. How then did the new language emerge? तो यहाँ पर बताया कि as we saw at the outset, यानी outset जो show करते हम, तो we often tend to identify region, वो often tend to identify region जो होता है वो identify करते हैं in terms of language spoken by people से लैंग्वेज टर्म्स ऑफ लैंग्वेज में रीजन करते हैं. सो वी एज्यूम दैट पीपल, वो एज्यूम करते हैं दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज, बंगाल ऑलवेज में एज्यूम करते हैं स्पोक बंगाली में. तो हाउएवर व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट वाइल बंगाली इंटरेस्टिंग इज दैट जो वाइल बंगाली होता है इज नाउ रिकॉग्नाइज एज यू लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम संस्कृत, यानी जो लैंग्वेज होती है डिराइव जो करते हैं वो लैंग्वेज क्या होती है तो संस्कृत में. अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मीट फर्स्ट मिलेनियम, यानी अर्ली संस्कृत टेक्स्ट जो होती है मीट फर्स्ट मिलेनियम में, उसे BCE भी कहते हैं. तो सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट संस्कृत लैंग्वेजेस, उसे डिड नॉट मतलब कि उसे नहीं डिड है स्पीक वो नहीं करते हैं संस्कृत लैंग्वेजेस में. हाउ देन डिड न्यू लैंग्वेजेस इमर्ज, यानी कौन सी लैंग्वेजेस हो गई. तो यहाँ पर हमें फिगर में भी बताया है लैंग्वेज है जो हमें कुछ पता नहीं चलता है. फ्रॉम द फोर्थ थर्ड सेंचुरीज BCE कॉमर्शियल टाइज बिगन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगधा विच मे हैव लीड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत. तो फ्रॉम द फोर्थ थर्ड सेंचुरी, यानी फोर्थ थर्ड सेंचुरी में BCE जो कॉमर्शियल टाइज है बिगन टू डेवलप करते बिटवीन बंगाल एंड मगधा में, यानी साउथ बिहार में, तो विच मे हैव लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंसिस ऑफ संस्कृत में करते हैं. तो यहाँ पर हमें फिगर में भी बताया है, वो है पेज फ्रॉम अ पाम लीफ में उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट किया है, वो कौन सी है तो बंगाली रामायण, यानी वो लैंग्वेज में उन्होंने ये लिखा है.